हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू वैष्णवी शक्ति। गाइस, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ आंवले का लड्डू। सो बहुत ही हेल्दी होता है गाइस, और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। और मैंने आंवले को यहाँ पे कद्दूकस कर लिया है, और मैंने बादाम को भी कट करके रख लिया है। सो मैंने कद्दूकस करने के बाद आंवले को 4-5 पानी से अच्छे से वाश कर लिया है। वाश करने से उसका कड़वापन निकल जाता है। और खाने में बहुत टेस्टी होता है। और गाइस, मेरा आंवला 1 kg है। आंवला बहुत ही फ़ायदा करता है बालों के लिए, आँख के लिए। गाइस, मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच देसी घी का यूज़ किया है, और मेरा घी गर्म हो गया है। और मैं इसमें आंवले को डालूँगी और 10 मिनट अच्छे से इसको फ्राई करूँगी। सो गाइस, इसी तरह से मैं आंवले को फ्राई कर लूँगी 10 मिनट तक। गाइस, मेरा आंवला 1 kg था, तो मैं इसमें 500 ग्राम चीनी डालूँगी। 1 kg आंवले के लिए 500 ग्राम चीनी लगेगा गाइस। मैं इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी, इस चीनी को अच्छे से गला दूँगी। इसी से ही चाशनी बन जाता है गाइस। मैं इसी तरीके से चला चला के चीनी अच्छे से गल जाएगा। धीमी आँच करके इसे बराबर चलाती रहूँगी, नहीं तो चीनी नीचे पकड़ लेगा। गाइस, बराबर चलाने से चीनी जल्दी गल जाता है, और साथ में आंवला भी गल जाएगा। और हाँ, धीमी आंच पे ही इसको चलाएंगे। जब चीनी गल जाता है तो आंवले का कलर चेंज हो जाता है, वो हल्का रेड कलर में आ जाता है, तो पता चल जाता है कि मेरा आंवला गल गया है। इसको जब मेरा अच्छे से चीनी गल जाएगा तो इसको तब इसको ढक के हम कुछ मिनट के लिए ढक के रख देंगे, जिससे और भी अच्छा गल जाए और आंवले में चीनी एकदम मिल जाए। इसी तरीके से बराबर चीनी को चलाते रहेंगे गाइस। यहाँ पे जब चीनी गल जाएगा तो यहाँ पे मैं बादाम जो कट करके रखी थी उसको भी डाल दूँगी, और छोटी इलायची भी इसमें ऐड कर दूँगी गाइस। मैंने 5-6 छोटी इलायची इसमें डाल दिया है, और इसको भी बराबर चलाती रहूँगी, और जिससे बादाम मिक्स हो जाए अच्छे से। और फिर इसको ढक के धीमी आंच करके इसको कुछ देर के लिए पका दूँगी। आंवला मेरा अच्छे से गल गया है। मैंने यहाँ पे गैस बंद कर दिया है। अब मैं इसको ट्रे में निकाल के 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी, जिससे अच्छे से सेट हो जाए। इसको ट्रे में निकाल लिया है, और अच्छे से इसको सेट करने के लिए 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी। मैंने फ्रिज में सेट करने के लिए रखा था गाइस, मेरा सेट हो गया अच्छे से। मैं इसको अब लड्डू बना लूँगी गाइस। अगर इसी तरह से हम लड्डू बना लेंगे